आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। नमस्कार। सच्चिदानंद स्वामी जी, हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी कमलेशानंद जी, अध्यात्म विज्ञानी, आर्ट ऑफ विजन, नई दृष्टि नई खोज के संस्थापक है। स्वामी जी, हम आपसे पहले जानकारी जानना चाहेंगे, अब तक आपने देश में और देश में कहाँ कहाँ की यात्राएं की है, उसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकगण को बताएंगे। जी, सबसे पहले तो मैं छोटी उम्र से आध्यात्मिक मार्ग में ही आगे बढ़ना चाहता था, ये मेरा जीवन का मकसद था। 8 साल की उम्र में जैन धर्म में दीक्षा लेने की भावना थी और 9 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक मैंने भारतवर्ष के जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिश्चियन, और हिंदू धर्म के अंदर जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शिव धर्म, स्वामीनारायण धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, और श्रीमद् राजचंद्र कहो, कांजी स्वामी कहो, और बहुत सारे इस्कोन का धर्म कहो, स्वामीनारायण का धर्म कहो, ये सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों का मैंने अभ्यास कर लिया था। और वो अभ्यास करते समय मेरा एक ही मकसद था कि उसमें सनातन सत्य क्या है। सांप्रदायिक सत्य तो हर धर्म के अंदर होता है, मगर मेरे को सनातन सत्य चाहिए जो सबके अंदर एक और कॉमन है। उसके बाद 16 साल की उम्र में दादा भगवान की एक किताब मिली, आप्तवाणी नंबर 1, वो भी मैंने पढ़ी। उसके अंदर से भी मेरे को मुक्ति का मार्ग, आध्यात्म का मार्ग, वो साइंस है, वो शब्द मेरे को क्लिक कर गया, अपील कर गया। और दूसरी बात उन्होंने बताई, व्यवस्थित शक्ति, यानी पहले मैं जो कर्मों के सिद्धांत को मानता था वो बहुत लिमिटेड स्केल में था, और अभी व्यवस्थित शक्ति बताई तो मेरे को समझ में आया कि पूरी दुनिया, होल यूनिवर्स, टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर, जिसका नाम दादा भगवान ने व्यवस्थित शक्ति के रूप में बताया। तो ये भी मैंने फिर बाद में प्रत्यक्ष उनको मिले, उनके पास के ज्ञान दीक्षा लिया, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, उनकी बातें, उनके परिचय में भी रहा। उसके बाद भारतवर्ष के अंदर सत्संग के लिए हम यात्रा करना शुरू किया, जैसे अहमदाबाद है, बड़ौदा है, सूरत है, नवसारी है, सौराष्ट्र है, उत्तर गुजरात है, ऐसे गुजरात में घूमे। उसके बाद साउथ गुजरात, साउथ इंडिया, जैसे हैदराबाद है, सिकंदराबाद है, जैसे मद्रास है, मदुराई है, चेन्नई है, और बहुत सारे साउथ के अलग अलग जगह पे गए। उसके बाद नॉर्थ में भी, राजस्थान में भी गए, मध्य प्रदेश में भी गए, इंदौर, भोपाल, जबलपुर वगैरह, राजस्थान में भी उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, वहाँ मैं सत्संग के लिए गया। उसके बाद दिल्ली, कलकत्ता, सभी जगह पे मैं आसाम तक और जम्मू कश्मीर तक भी सत्संग के लिए मैं जा चुका हूँ। तो ये भारतवर्ष का मेरा प्रवास रहा है। उसके बाद 1994 से मैंने पहली विदेश यात्रा शुरू की, जहाँ वो स्टार्ट किया अमेरिका से। अमेरिका में मैंने सत्संग किए विविध स्टेट और सिटीज़ के अंदर, उसके बाद कनाडा में भी बहुत सारी सिटीज़ और स्टेट के अंदर सत्संग किया। उसके बाद यूके, लंदन में मैंने बहुत सारी जगह पर सत्संग किया। उसके बाद ये सत्संग की श्रृंखला मेरी चालू हो गई। उसके बाद यूरोप में भी गए, जर्मनी, बेल्जियम, बहुत सारी कंट्री का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, ये सब कंट्री गया। उसके बाद अफ्रीका के बहुत सारे 10-12 कंट्रीज, जिसको कहेंगे कनाडा, और अफ्रीका के अंदर केन्या, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, बोस्टवाना, टांजानिया, उसके बाद नॉर्थ में भी बहुत सारी कंट्री में मैं कहा गया वहाँ। तो यानी वहाँ बहुत सारी कंट्री में यही मेरा काम था कि आखिर दुनिया को, जो मैंने जीवन में अपने खुद के अनुभव से जो सनातन सत्य पाया है, वो सबको मैं बांटता रहूँ, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए मैं बहुत सारी कंट्री में घूमा हूँ, और आज भी मैं इसी मकसद से पूरे विश्व में जहाँ मेरे को बुलाते हैं
वहां मैं उसी मकसद से आज भी जा रहा हूं। स्वामी जी, आजकल देखते हैं सभी धर्म गुरुओं ने, संतों ने, महंतों ने खूब करुणा करके लोगों के ऊपर उपकार करके धर्म को इतना आगे बढ़ाया है कि आजकल हम देखते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, मठों में, पहले के तादाद में अभी बहुत लोग जाना शुरू कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जाने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि आज उनमें जो करुणा का रस है वो सूख रहा है, संवेदनशीलता रहती है प्राणी मात्र के प्रति वो सूख रही है। तो इतना धर्म का प्रचार होने के बाद में भी ये अंदरूनी उनको ये फीलिंग संवेदनशीलता का अभाव है, तो इसके बारे में आपका आर्ट ऑफ विजन, नई दृष्टि आप क्या देना चाहेंगे, कहाँ हमारी कमी रह गई है कि आज मानव मानव को पहचान नहीं रहा है? तो आज बाह्य रूप से देखें तो हर धर्म के अंदर लोगों की संख्या बढ़ रही है, हर धर्म गुरु के पास लोग ज्यादा जा रहे हैं, और धर्मगुरु के पास भी ही नहीं, ये सब बाकी और सारी शक्तियाँ, जैसे किसी को माता जी कहेंगे या धार्मिक स्थल कहेंगे या एस्ट्रोलॉजर कहेंगे, ऐसे चमत्कार की बात कहेंगे, वहाँ भी बहुत सारे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी ज़्यादा जा रहे हैं। तो संख्या तो धर्म के मार्ग में जाने की और बहुत बड़ी है, युवा भी जा रहे हैं, बूढ़े लोग भी जा रहे हैं, बाल अवस्था के लोग भी जा रहे हैं, मध्यम अवस्था के लोग भी जा रहे हैं, हर लोग जा रहे हैं। मगर ये जाना वो व्यवहार से तो अच्छी बात है ही, उसमें कोई मना नहीं करते हैं, मगर ये जाते हैं उसका जो मकसद है वो अपनी संसारिक प्रश्नों की पूर्ति के लिए जाते हैं, वो अपने जीवन में कुछ विकास करने के लिए, आध्यात्मिक या धर्म में कुछ आगे बढ़ने के लिए वो नहीं जाते हैं, अपने सोशल प्रश्नों को समाधान करने के लिए, वहाँ से कुछ शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा, उसके लिए वो जाते हैं। और जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई धार्मिक भावना तो नहीं बनती है, मगर उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ कठिनाइयाँ आई है वो गुरु जी के आशीर्वाद से वो दूर हो जाएगी, भगवान के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी, संत मंत साधु संतों के आशीर्वाद से दूर हो जाएगी, ऐसा वो मानते हैं, और वही मान्यता से वो लोग धर्म में जाते हैं। वास्तव में फिर भी आदमी शांत स्थिर क्यों नहीं रहता है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी कमी है ह्यूमैनिटी, मानवता की कमी है। क्यों मानवता की कमी है? आज लोग सुबह से उठ के रात के सोने तक पैसे के लिए पागल होते हैं, पैसा मैं कहाँ से लाऊं, पांच इंद्रियों का सुख मैं कैसे प्राप्त करूं, साधन संपत्ति संबंध और सत्ता में कैसे बढ़ाऊं, उसी में ही उनकी सोच अलग अलग स्टेज वाली व्यक्ति को अलग अलग समय पे लगी रहती है, और इस काम में बिजी होने के नाते उनका जो दिमाग है वो एक प्रकार से जड़ हो गया है, उसमें चैतन्यता, सेंसिटिविटी, ह्यूमैनिटी नहीं रही है, और इसीलिए जब वो ज़्यादा ह्यूमन से बात करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हाँ, उनका जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ नॉर्मल बात करते हैं, जहाँ किसी के साथ अपेक्षा है वहाँ नॉर्मल बात करेंगे, मगर जहाँ इनका स्वार्थ नहीं है, अपेक्षा नहीं है, वहाँ वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में उनके अंदर ह्यूमैनिटी आज बहुत कम हो गई है, क्योंकि लोगों का लगाव जड़ के साथ ज़्यादा हो गया है, और जड़ के साथ लगाव होने के नाते उनका मन भी जड़ हो गया है, तो जड़ के अंदर सेंसिटिविटी नहीं होती है, और ह्यूमैनिटी बहुत लो लेवल की होती है, और इसीलिए आज लोग थोड़े थोड़े समय में अपने ही जीवन में, अपने ही परिवार के साथ, अपनों ही के साथ, जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ खाना पीना खाते हैं, जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस पड़ोस में रहते हैं, वहाँ अननेसेसरी छोटी छोटी बातों में फ्रस्ट्रेट होकर झगड़ा कर लेते हैं और अपनी शांति को गवा देते हैं। तो ये आजकल के जीवन में ये बहुत साधारण बात है। तो मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, ऐसी सारी उलझन में से
मुक्ति पाने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए आपका जीवन हो सके इतना अपनी जरूरियात को कम करो, अपनी इंद्रियों को भौतिक चीजों में कम लगाओ, जरूरत नहीं वहां मत लगाओ, और जो समय बचता है उसके अंदर कोई धार्मिक प्रक्रिया करो, कोई अच्छी भावना करो, कोई प्रार्थना करो, कोई भगवान को याद करो, कोई भक्ति करो। ऐसा कुछ करोगे तो आपके अंदर जीवंतता रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और मानवता भी बढ़ेगी। स्वामी जी, ये तो सब ने क्लियर कर लिया है कि मंदिर में भगवान है, अच्छी तरह से श्रद्धा फिट बैठ गई है, लेकिन आपके विज्ञान से ऐसा कुछ बताइए कि भाई मंदिर में नहीं, हर इंसान हर प्राणी के अंदर भगवान विराजमान है, तो इसके लिए आपकी नई दृष्टि, नई राह में, नई दृष्टि, नई खोज में आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात यह है, बात तो सही है कि आज विश्व के 90-95% पीपल अलग अलग प्रकार के नामधारी, रूपधारी भगवान को मानते हैं, भगवान के रूप में। हम जैसे उदाहरण देंगे तो राम है, कृष्ण है, महावीर है, शिव है, स्वामीनारायण है, और बहुत सारे दादा भगवान को भी नाम बताया गया। इसके अलावा क्राइस्ट है, पैगंबर है, तो ऐसे भी लोगों को लोग भगवान कहते हैं या गॉड ऑफ सन कहते हैं, सन ऑफ गॉड कहते हैं, तो ये कहते हैं लोग। मगर वास्तव में भगवान व्यक्ति के रूप में नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूँ, उसमें आपको सबको समझ में आ जाएगा। तो सिंपल मैं चार प्रश्न करूँगा, इनका मैं उत्तर दूंगा, उससे ही आपको मालूम हो जाएगा कि भगवान वास्तव में कौन है। पहला प्रश्न है, भगवान नामी होते हैं या अनामी होते हैं? जिसका नाम है इसका नाश है, इसलिए भगवान नामी नहीं होते हैं, अनामी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, भगवान रूपी होते हैं क्या अरूपी होते हैं? जो रूप है उसका भी अंत है, इसलिए भगवान अरूपी होते हैं। सबसे पहले भगवान अनामी होते हैं, दूसरा उत्तर है भगवान अरूपी होते हैं। तीसरी बात, भगवान जन्म मरण वाले होते हैं या तो अजन्म अमर होते हैं? तो भगवान परमानेंट है इसलिए उसका जन्म मरण नहीं होता है, तो भगवान अजन्म अमर होते हैं। और चौथा और अंतिम प्रश्न, भगवान टेम्पररी होते हैं या परमानेंट होते हैं? तो टेम्पररी जो होते हैं, जैसे राम है, कृष्ण है, महावीर है, शिव है, स्वामीनारायण है, वो पैदा हुए और उसका अंत भी हो गया, तो भगवान टेम्पररी होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो चार प्रश्नों का जो उत्तर है, भगवान अनामी है, भगवान अरूपी है, भगवान जन्म मरण से पर है, और भगवान परमानेंट है। ये चार प्रकार का उत्तर जो है वो उत्तर कोई व्यक्ति को लागू नहीं होता है। यानी सिद्धांत के रूप में देखा जाए तो भगवान कोई व्यक्ति हो नहीं सकती है। तो भगवान हम किसको कहेंगे? जिसको ये चार प्रकार की क्वालिटी लगती है इसको हम भगवान कहेंगे, मगर किसको कहेंगे ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो भगवान कहेंगे आत्मा को, अपने शुद्धात्मा को हम भगवान कहेंगे। जो शुद्धात्मा है वो नाम नहीं है, शुद्धात्मा का रूप नहीं है, शुद्धात्मा का जन्मरण नहीं है, और शुद्धात्मा परमानेंट है। यानी आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही भगवान है, और उसी को भगवान मानना ये अंतिम सत्य है। और व्यक्ति के रूप में भगवान किसी को मानना ये बाह्य सत्य है, सामाजिक सत्य है, धार्मिक सत्य है, टेम्पररी सत्य है। टेम्पररी सत्य से हम सनातन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हाँ, मगर पापों से बच के पुण्य के मार्ग में हम आगे जा सकते हैं। मगर जब मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है तो आपको एक दिन व्यवहार सत्य से ऊपर उठ के सनातन सत्य, यानी मैं शुद्धात्मा हूँ, वही भगवान है और वही परमात्मा है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और उसी बातों को लेके हमको भविष्य में आगे बढ़ना पड़ेगा। स्वामी जी, आपने मुक्ति की, ये मोक्ष की बात बताई, तो मैं एक्चुअल में ये मोक्ष है क्या, क्या चीज की प्राप्ति होती है, या क्या सुख है वहां पर? सब धर्मगुरु, सब संप्रदाय में ये बताते हैं मुक्ति पाओ, मोक्ष लक्ष्य रखो, तो ये
आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हर व्यक्ति इस संसार में सुख पाना चाहती है, पर वो भी सुख कैसा चाहिए उसको? परमानेंट। और हर व्यक्ति जीवन में बचपन से लेके युवानी में, बुढ़ापे में और अंत तक वही सच्चा या सनातन सुख प्राप्त करने का प्रयास करके एक दिन वो गुजर जाती है, और यही इच्छा अपेक्षा आकांक्षा लेके वो नए जन्म लेती है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि मैंने अपने जीवन में खेला नहीं है, मैंने अपने जीवन में पढ़ा नहीं है, मैंने अपने जीवन में पैसा नहीं कमाया, मैंने अपने जीवन में शादी नहीं किया, मेरे जीवन में बच्चे नहीं है। ये सब कुछ है उनके पास, खेला भी है, पढ़ा भी है, शादी भी किया है, पैसा भी कमाया है, बच्चे भी है, उनको भी पढ़ाया है, बिजनेस भी किया है, व्यवहार भी किया है, सब जगह घूमे भी है, सब कुछ किया है, मगर अंत में वो कहते हैं ये सब कुछ मैंने सुख प्राप्त करने के लिए किया था, मगर ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद या करने के बाद भी आज मैं सुखी नहीं हूँ। तो उसका मतलब ये साबित हुआ कि ये सब परिस्थितियों के अंदर सुख देने की क्षमता नहीं है, सिर्फ हमारी टेम्पररी मान्यता थी। तो वास्तव में सच्चा सुख कहाँ है या तो कहाँ हो सकता है? तो भगवान कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, सच्चा सुख तो आत्मा में है, क्योंकि आत्मा ही स्वभाव से अनंत सुख वाला है। मगर क्योंकि हमारी अज्ञानता के वश हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, इसलिए हम बाहर सुख को ढूंढ रहे हैं, और कई अवतारों से यही सनातन और सच्चा सुख ढूंढने में, अनुभव करने में फेल हो रहे हैं। तो अगर हमको जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करना है तो हमारी दृष्टि को मोड़ना पड़ेगा, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना पड़ेगा कि सुख आत्मा में है, और सुख वो आत्मा का अविनाशी स्वभाव है जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है। तो ये आत्मा की ओर आप आगे बढ़ोगे तो आप सच्चे सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकते हो, स्लोली स्लोली, 1%, 2%, 3%। पर कई लोग कहते हैं कि भाई आत्मा जो है अंदर उसका तो कोई हमको अनुभव नहीं है, दिखता नहीं है, और आत्मा का अनुभव हुआ ऐसे व्यक्ति भी समाज में दिखती नहीं है। हाँ, शास्त्रों में लिखा है और धर्मगुरु भी कहते हैं, तो हम इसको कैसे मानेंगे कि अगर हम आत्मा है तो वास्तव में आत्मा है ही, ऐसा हम प्रमाण से कैसे माने? नॉलेज से तो मानते हैं, प्रमाण से कैसे माने? तो प्रमाण से वेरी सिंपल बात है, अगर चेतन नहीं होता है तो जड़ की कोई कीमत नहीं है। अगर चेतन नहीं होता है तो ये शरीर, ये संपत्ति, ये संबंध और साधन की कोई भी कीमत नहीं है, जीरो वैल्यू। आत्मा है तभी शरीर की कीमत है, आत्मा है तभी संपत्ति, संबंध और साधनों की कीमत है। मगर क्योंकि अज्ञानता के वश हमारी दृष्टि बहिर्मुखी होने के नाते हम बाहर की अवस्थाओं का ही अनुभव करके राग द्वेष करते हैं, भुगतान करते हैं, और नया राग द्वेष करके नया कर्म चार्ज करते हैं। तो हमारी दृष्टि जब अंतर्मुखी होगी तब मालूम होगा कि जो आत्मा है वो तो अंदर है। आत्मा निकल गया तो शरीर को डेड बॉडी बोला जाता है, और इसको फिर जला दिया जाता है, तो शरीर तो चल गया। अगर शरीर जलने के बाद अगर पुनर्जन्म होता है तो किसका होगा? अगर आत्मा नहीं है तो क्या पुनर्जन्म संभव है? अगर आत्मा नहीं है तो कर्मों का फल मिलना, ये अगला एक अवतार के कर्म नेक्स्ट बर्थ में मिलना, क्या वो संभव है? नहीं हो सकता है। इसीलिए आत्मा है तभी पुनर्जन्म है, आत्मा है तभी जीवन है, आत्मा है तभी आप नए कर्मों चार्ज कर सकते हैं, आत्मा है तभी पुराने कर्मों की आप भुगतान कर सकते हैं। एक बार आत्मा निकल जाने के बाद ये डेड बॉडी को आप एक महीना रखोगे तो भी उसका ये कर्म भी नहीं है, उसका आयुष्य कर्म भी नहीं है, ये भुगतान भी नहीं है, सिर्फ जड़ है। और जड़ है इसीलिए उसको जलाया जाता है, और जलाने वाले को पाप नहीं लगता है क्योंकि वो जड़ है। मगर जब आदमी जीवित होती है और इसको थोड़ा भी बहुत कष्ट करोगे तो भी आपको पाप लगेगा क्योंकि अंदर आत्मा है। तो इसीलिए
आत्मा तो है, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं, और समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे। अभी तो इतना ही जानो कि सच्चा सुख, शाश्वत सुख, अविनाशी सुख आत्मा में है, और वो आत्मा का स्वभाव है, वो बनाना नहीं है, दृष्टि से उसका अनुभव करना है। स्वामी जी, जैन शास्त्रों में भगवान महावीर की वाणी आती है, एगो में सासु अप्पा नान दर्शन संजमो, शेषा में बहिरा बावा सव्वे संजोग लखना, तो इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश करेंगे। एगो में सासु अप्पा, मैं एक शाश्वत केवल आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन सज्जो, ज्ञान और दर्शन ये दोनों मेरा शाश्वत क्वालिटीज है, यानी गुण है। शेषा में बाहिरा भावा, बाकी सब जो है वो बाहर के भाग है, जो मेरा नहीं है, यानी बाहर का मतलब होता है प्रकृति का। शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा, बाहर के जो भाग है वो संजोग लक्षण वाले हैं, यानी वो कॉज और इफेक्ट के ऊपर आधारित है, वो स्वयं कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कॉज किया है तभी आपको इफेक्ट का संजोग मिले। तो संजोग मूला जीवेण पत्ता दुख परम्परमा, यानि हमारे अंदर संजोग का मूल, यानि जो संजोग में हमको सुख और दुख के भुगतान हुई उसका मूल जीवित है, यानि मैंने भुगतान किया सुख और दुख का, तो इससे नए राग वेश बनेंगे। तो संजोग मूला जीवेण, संजोग का मूल जो राग द्वेष है, अगर वो हमारे में जीवित है, पत्ता दुख परंपरा, तो उससे दुख की परंपरा, जन्म मरण का चक्कर चालू ही रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि तम्मा संजोग संबंधम, ऐसे हर प्रकार के संजोगों को, तम्मा संजोग संबंधम, जो संबंध वाले संजोग है उसको सवम तिभेण भोसरामी, यानी हे भगवान, मैं ऐसे संबंधों वाले संजोग हैं वो आपको घोषणा देता हूँ, यानी आपको समर्पित करता हूँ। तो ये समर्पित करने का मतलब मैं अभी कर्ता भाव और मालिक की भाव से मुक्त हो गया। जब संजोग का मैं मालिक ही नहीं हूँ, संजोग का मैं चलाने वाला ही नहीं हूँ, तो उसमें से कर्ता भाव और मालिक की भाव खत्म हो गया। बस यही ज्ञान और आध्यात्म का सार है। ये पूरा जीवन जो है ये भगवान को ही समर्पित करना है, अपने आत्मा को ही समर्पित करना है, और मैं उसका सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा हूँ, या तो मैं साक्षी भाव में हूँ, न मैं उसका मालिक हूँ और न मैं उसका चलाने वाला हूँ। स्वामी जी, आपके आर्ट ऑफ विजन के अनुसार कर्म क्रिया से नहीं होता है, कर्म भाव से होता है या अंत आशय से होता है, इंटेंशन से होता है जी। जबकि हम साधारण भाषा में समझते हैं कि हमारे से कोई जीव की हिंसा हो जाती है तो हम लोग तो यही समझते हैं कि ये मेरे द्वारा होगी, इसका पाप कर्म का बंध मेरा होगा। तो इसमें आपका आर्ट ऑफ विजन क्या बताना चाहेगा कि भाई ये इसमें क्या दृष्टि है? कुदरत का कानून ये है कि कर्म मन वचन काया से नहीं बनता है, कर्म भाव से बनते हैं। मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ये कर्मों का फल है, यानी मन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, स्पीच के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, और एक्शन के ऊपर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। ये सबको मालूम है, हमको नहीं सोचना है वो भी सोचना पड़ेगा, हम विचार नहीं करना चाहते वो भी विचार आएंगे, जो बोलना नहीं चाहते वो भी निकल जाता है, जो नहीं करना चाहते वो भी करना पड़ता है, यानी मन वचन काया तीनों कर्म नहीं है, कर्म फल है। जो कर्म पिछले अवतार में किए इसके फल स्वरूप पैदा होते ही माता पिता मिले, भाई बहन मिले, धर्म मिला, रहने का घर मिला, ये सब परिणाम है, हमने कोई प्रयास नहीं किया है। तो ये जन्म होते ही कर्म फल की शुरुआत हो जाती है और मरते दम तक यही कर्मों के फल की श्रृंखला चालू रहती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ये कर्म फल है, और
फल के भुगतान के समय हमारे अंदर जो भाव उठते हैं, जो हमारा आशय है, जो हमारा इंटेंशन है, वो नया कर्मों को चार्ज करने का साधन बन जाता है। यानी वो कर्म चार्ज करते हैं और वो कर्म चार्ज करते ही उसका कर्मफल नेक्स्ट पर्व मिलता है। दर्शकगण, श्रोतागण, स्वामी जी के साथ में बात जारी रखेंगे, जब तक आप साथ में बने रहिए। धन्यवाद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। अध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ।